अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज मैं आपको गेम दिखाऊंगी, मेरी बेटी की फाइनल गेम है गर्ल्स ऑन द रन। उसके लिए हम स्टेडियम गए थे उसको लेके, और बस वही दिखाऊंगी आज इस व्लॉग में। और आप सब कैसे हैं, आप सबके बच्चे कैसे हैं, कैसी जा रही हैं गर्मियाँ और कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। हमारे पास तो मौसम बहुत अच्छा है, अभी हमारे पास तो काफ़ी ठंड है और आज तो बहुत अच्छा मौसम है। हम तुम्हें चाहते हैं। सारी दुनिया लेके गई है, बैग लेके गई है, बच्चों के खाने पीने के लेके आए हैं, पानी ये जो भी थे। असं देख लो पेंडू पाकिस्तानी असं शापर चुके हैं, वालमार्ट वाला शॉपिंग बैग जोड़ा होंगे वो चुक के उसके अं पानी दिन बोतल रखे हैं। एक एप्पल रखे थे अस दो इतने स्टेडियम से, एक मेरा हल्क जूस रखा जो मेरी बेटी ने तो है ना नहीं पैक की चीज़ा, तो मैंने भी नहीं ख्याल आया कि बैग लैके जाना चाहिए। मैं चलो असं मलंग बंदे हैं जी तुर जाने, हालांकि इन्हों को दो दो बैग है ने, लेकिन नहीं याद ही नहीं रहा ना, बस जो रोली पे गई मैंने तो बिल्कुल नहीं याद रह चीज़ा एना नहीं सैटिंग करनी होंगी या सारा कुछ ना। तो सुबह अर्ली से तकरीबन असी 9 बजे घरों निकल गए थी, तो 10 बजे साड़ी गेम होनी थी, इसलिए रोली से शुक्र असी पहुँच गए शॉपर के नाल ही पहुँच गए। मैंने तो उम्मीद कोई नहीं कि असी टाइम नाल पहुँच भी सकना है ना, लेकिन फिर थोड़ी देर उत्थे वेट किया तो बच्ची एक खड़ी सी जी सन लैन आई, क्योंकि हर स्कूल ने अपनी जगह पर खड़े होना सी। उत्थे उन्होंने झंडे लगे हुए थे स्कूल के बोर्ड टाइप छोटे छोटे बनाए थे, उत्थे ही जाके खड़े होना सी। ते सब ने किसी ने पिंक शर्ट पहनी, किसी ने ब्लू, कोई भी पेरेंट और टीचर्स भी साथ आई थी, प्रिंसिपल भी आई हुई थी, मतलब सभी लोग आए हुए थे, पेरेंट्स भी, पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को स्ट्रोलर्स में डाल के लाए थे, फिर अपनी अपनी चेयर्स उठाई थी कि कहाँ बैठना है। असं भी एक कुर्सी ना लै के आए हुए थी कि असी ये तो मैं बैठ जाऊँगी, चलो जिन्ना टाइम लगेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बहरहाल बहुत ही अच्छा आया, तो म्यूजिक इन्ना उच्ची लाया सी ना उन्होंने, इन्ना उच्ची, मैं कहा हाए कितने तुसी पंजाबी म्यूजिक लाओ, कितने कोई नसीबो लाल दे गाने ला दो। बहरहाल इंग्लिश ही सुन रहे थे हम लोग बैठे, बहुत इंजॉय किया मैंने। मैं बड़ी ना थकी हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था और मैं बिल्कुल, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके किसी के साथ बड़ा ग्रीट श्रीट करूं, किसी को मिलूं जाके या शोर शोर डालूं कि बच्चों की गेम। मैं आराम से थकी टूटी जाके कुर्सी पर बैठ गई, तो मैंने कहा बस जी अब मैंने तो यहाँ से हिलना कोई नहीं है, फिर अगले जो 2 घंटे या घंटा है ना वो मैंने वहीं पर गुजारा है। और मैं ना तो गई हूँ खड़े होने, एंड जो होती है ना एक लाइन होती है एंड पे, फिनिश लाइन होती है गेम के, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा खड़े होते हैं, बच्चों का वेट कर रहे होते हैं कि भाग के आ रहे होते हैं। ये गेम थी, इन्होंने तकरीबन 3 माइल्स भागना था बच्चों ने,
तो बीच बीच में से पानी के भी उन्होंने स्टॉल रखे हुए थे कि पानी वहाँ से पी सकते हैं, ले सकते हैं। गर्मी शदीद थी इस वजह से भी, और लोग रोड के ऊपर साइडों पे भी खड़े थे जहाँ से बच्चों ने भाग के आना था। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत थकी थी, तो गरीब बंदा कुर्सी पे बैठ के पूरा इंजॉय कर कर के मैं आ गई। मेरी बेटी भी छोटी साथ गई हुई थी, तो वो उसने थोड़ा सा इंजॉय किया, जो जो फ्री चीज़ें थी सारी। बच्चों के लिए तो मोस्टली फ्री ही थी सारी, स्टिकर लेने, फिर ग्लिटर अपने ऊपर सर पे बाजू पे डालने के लिए वो दे रहे थे, वो सब फ्री था, तो वो करती रही जाके। बहरहाल मैं इवन देखने भी नहीं गई, मैं बैठी रही। अब सब स्कूल सब जा चुके हैं और वो लोग सब भाग रहे हैं अभी ना, 3 माइल्स के लिए गए हुए हैं। तो सब बाकी जो रह गए थे वो लोग वेट कर रहे थे। सिर्फ यही लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग रस्तों में भी खड़े थे और सब वेट कर रहे थे, और जो इतना लाउड म्यूज़िक लगाया था हम लोग वो भी सुन रहे थे। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया मुझे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जे साढ़े पिंड की गेम होंगी तो उन्होंने एक ही ढोल लैके आ जाना, उन्होंने गेम कटते उन्होंने भंगड़े ज़्यादा पाने से। वैसे जहाँ पे ढोल बज रहे थे ना शुरू में, तो मैंने अपनी बेटी को कह दिया था, मैंने कहा मुझे पकड़ लेना, या ना हो मैं इतने भंगड़े पा लग जा अगे तक मैं जावा ही ना। पर फिर ऐसे हुआ कि फिर चिरागों में रोशनी ना रही, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो बस फिर जाके बैठ के देख दुख के तो फन हुआ है काफ़ी। अभी आप लोगों को मैं उनकी आवाज़ें भी सुनाती हूँ, जो म्यूज़िक लगाया था वो भी सुनाती हूँ। इंजॉय करें आप मेरी वीडियो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। गर्मी का मौसम है, बच्चों का भी खास ख्याल रखें, और तरबूज वगैरह मत खाएं क्योंकि गर्मी में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। और अल्लाह हाफिज़।